हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोई रजनी। और आज हम आए हैं ईटिंग सर्कल अलवा पेट में नाश्ता करने के लिए। सो यहाँ पे आपको मिलता है कर्नाटका स्टाइल और चेन्नई स्टाइल सांबर एंड हेल्दी नाश्ता। साबूदाने का पोंगल भी मिलता है आपको। आपको यहाँ पे मिलता है रेड राइस का डोसा, जो हर कहीं नहीं मिलता है। सो चलिए देखें कैसा होता है हमारा आज का ये एक्सपीरियंस। पहुंच गए हम ईटिंग सर्कल। मेरे ख्याल से ये आरकेपुरम में था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन गूगल पे आपको इसका पता मिल जाएगा। ये देखिए नीचे हैव मोर का स्टोर है, चलिए देखते हैं। और यहाँ पे अजनबी मिठाई जो बहुत फेमस है, उसका भी एक आउटलेट है। ये इन्होंने एक इडली लगा रखी है एज एन एंट्रेंस वेलकम पे। ये देखिए बहुत ज़्यादा लोगों की सीटिंग नहीं है, मेरे ख्याल से 50 लोग बैठ सकते हैं एक टाइम पे। थोड़ी वेटिंग चलती है, लेकिन हाँ काफ़ी फेमस है यहाँ के लोगों में ईटिंग सर्कल। मेन्यू भी इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। ये देखिए मेन्यू है इनका, जिसमें तो ये एक्चुअली कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों का मिक्स करके इन्होंने कॉम्बिनेशन एक आउटलेट बनाया है। सो जैसे ही आप टेबल पे बैठेंगे, एक ग्लास ये लोग एक ड्रिंक सर्व करते हैं, वेलकम ड्रिंक, दे डोंट चार्ज फॉर इट। थोड़ा सा उसमें नींबू की खटास और होती है, मुझे ठीक से याद भी नहीं कि क्या फ्लेवर है, क्योंकि मैं नहीं पी उस दिन और मेरा भाई गटक गया। ये मैंने ऑर्डर की थी तट इडली। तट इडली मतलब नॉर्मल इडली जितनी छोटी नहीं होती है, ये प्लेट के जितनी होती है। तट का मतलब प्लेट होता है, सो ये प्लेट के जितनी बड़ी होती है। सो ये प्लेट वाली इडली, ऊपर खूब सारी मलगा पुड़ी यानी फ्लेवर्ड पाउडर ये लोग बनाते हैं दालों के साथ, मसालों के साथ, और घी डाल के सर्व किया जाता है। काफ़ी सॉफ्ट, फ्लफ़ी और मज़ेदार थी। यहाँ पे बाकी लोगों ने ऑर्डर किया है इनका स्पेशल डोसा, काफ़ी क्रिस्पी है डोसा। मसाला देखिए पूरा अच्छे से लपेटा इन्होंने चारों तरफ डोसे के अंदर। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए, मसाले इनके डोसा इनका बिल्कुल भी पतला नहीं है, जैसे हम चेन्नई में पतला डोसा खाते हैं। तो ये कर्नाटका स्टाइल थिक डोसा है। इनफैक्ट इनके पास रेड राइस के डोसा भी अवेलेबल है, जो बहुत ही हेल्दी होता है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा डोसा है, थिकनेस है और मसाला लगा। सांभर भी दो तरह की आती है, कर्नाटका या बैंगलोर बोल लीजिए वो वाली सांभर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और अपनी साउथ की चेन्नई की प्रॉपर सांभर जो मज़ेदार। ये मैंने ऑर्डर किया था साबूदाना पोंगल, जो आई एम सॉरी टू से पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड इन दी एंड एक कॉफ़ी से इन लोग का नाश्ता होता है पूरा। अब डाल रहे हैं हम इसमें चीनी, ये मेरी भाभी चीनी डाल के मिलाते हुए। ये ट्रेडिशनल कॉफ़ी का टम्बलर और कटोरी है, जिसमें सर्व किया जाता है। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाइए, मिक्स कीजिए, ठंडा कीजिए, आहा, और पीजिए एक मज़ेदार फिल्टर कॉफ़ी। कापी बोलते हैं। सो ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। सब लोग तसल्ली से बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं थोड़ी सी एलर्जिक हो गई हूँ इसलिए मैंने अवॉइड किया। और आप मानेंगे हमें कौन मिले यहाँ पे, हमें मिले यहाँ पे शेखर सर। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर और कॉमेडियन हैं, जिनसे मैंने खूब बातें की और इन्जॉय किया। सो ये था हम मेरा फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट एट चेन्नई ईटिंग सर्कल पे। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा। और अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें स्टार जरूर दें। बाय बाय दोस्तों।